हेलो गाइस मैं क्यूंग गुरु और हमारे दस के कप के कम्प्लीट हो चुके हैं और अभी फिफ्टीन भी हो जाएंगे थैंक्स टू शॉर्ट्स लेकिन सब डेट सब्सक्राइबर है तो उसको इग्नोर करते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में डाला था मैंने कि कोई सवाल पूछो क्यू एने के लिए क्योंकि वैसे तो सीजेज लाइव पर हमेशा क्यू इन होता रहता है लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जो सिर्फ क्यूबिंग गुरु पर है सीजेज लाइव पे नहीं है तो स्टार्ट करते पहले सवाल से जो है ओम सोनी का वाट्स योर फ्यूचर प्लान बाय द वे लव यू एंड कांग्रेस तो लव यू का मतलब मेरे कंटेंट से है गलत मत समझना तो फ्यूचर प्लान्स क्या है भाई जॉब है अच्छी खासी अभी बस शादी करनी है बच्चे पैदा करने बस ख़त्म बात और बात करें क्यूबिंग की तो लोग जो है जॉब लगने के बाद कंटेंट बनाना बंद कर देते हैं और हमने स्टार्ट किया है तो ये सिलसिला चालू ही रहेगा एंड देखते हैं भी कहाँ तक जाते हैं मेरा तो एम था हज़ार ही सब्सक्राइबर का स्टार्ट में और ये अभी तो बोनस है जो भी मिल रहा है इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था तो आगे बढ़ते कुंदन शेट का है सवाल यूट्यूब के अलावा आप क्या काम करते हो और आपकी ग्रेजुएशन क्या है तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ और काम मैं करता हूँ आईटी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर में ज़्यादा स्कोप नहीं था मतलब जॉब्स बहुत कम थे तो अभी आई टी कंपनी में काम करता हो लेकिन पार्शली आई टी है मतलब मैकेनिकल का थोड़ा बहुत पार्ट है उसमें देन क्यूबर्स स्कॉट बोला है फेन विल यू डू कोलैब विद हर्ज भाई कभी भी पूछ लो आप अपना आइडिया बताओ कोलैब का मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर कोलैब करूंगा दे मोहम्मद वसीम वॉट्स योर क्यूबिंग गोल कुछ नहीं भाई अभी सिर्फ मुझे सिखाना है मुझे इम्प्रूव नहीं करना है अभी कि इतना टाइम नहीं है जितना टाइम मिलता है उतने मैं वीडियो बना देता हूँ और इम्प्रूव करने का जो टाइम है वो तो अभी चला गया अभी मैं तो कुछ फेली एग्जाम को थोड़ी टक्कर देने वाला हूँ जो भी करूँगा अभी मैं वो सी लोगों को सिखाने का काम करूँगा जो भी मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करने का काम करूँगा क्योंकि इतना ही टाइम मुझे मिल पाता है देन नेक्स्ट है पैटर्न क्यूबिंग का भाई आप जॉब क्या करते हो पार्ट टाइम पार्ट टाइम नहीं भाई फुल टाइम करते हो और अभी बताए क्या जॉब करता हूँ नेक्स्ट है बिट्टू कुमार का हाउ यू गॉर्ड इन टू क्यूबिंग लव फ्रॉम कोचिंग की भाई बहुत बीजे एम आई खेलते हो पबजी नहीं अभी बीजेम आई खेलते हो तो कभी आ जाओ लाइब्रेरी में गन गेम खेलते हैं। तो मैं क्यूबिंग में कैसा मैं सेवन स्टैंडर्ड में था तब मैंने मतलब उससे पहले भी मार्केट से दस बीस रुपये वाला वो रूबिक्स खरीद के एक लेयर तो बना लेता था लेकिन एक बार जो अच्छा वाला मैंने मार्केट में देखा तो एक मेरे फ्रेंड से पूछा भाई ये क्या है वो बोला रूबिक्स क्यूब है उसको सॉल्व करना आता है इसलिए मैंने खरीदा और एक लेयर बनाने के बाद उसको पूछा भाई आगे कैसे करते हैं तो उसने भाई बोला भाई इतना ही आता मुझे आगे नहीं आगे बनता ही नहीं है मैं गुस्सा हो गया भाई इतना तो मुझे भी आता था तो उसके बाद मैंने खुद से एफ का फिगर आउट किया मतलब मैंने क्या किया एक लेयर में से एक वाइड निकाला और फिर वर्टिकल लेयर में डाला हॉरिजेंटल से निकाल के वर्टिकल लेयर में डाला और जो चेंजेस होते हैं वो मैंने ऑब्जर्व किए और उसके हिसाब से मैंने एफ टूएल पर सेवन स्टैंडर्ड में बनाया था टू में उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था पी वगैरह नहीं था स्मार्टफोन नहीं थे देन जब 2012 में जब मेरे पास पहला स्मार्टफोन आया तब मैंने एक बंदे को देखा था बनाते हुए तो उसने मुझे सिखाया नहीं तो मैंने फिर वोडाफोन का रिचार्ज किया दो सौ का वन जी बी टू जी अनलिमिटेड आपको ये भाषा समझ भी नहीं में नहीं आएगी कि दो सौ में वन जी बी टू जी अनलिमिटेड क्या है तो उस वो रिचार्ज करके दो घंटे में मैं सीख गया एंड डब्ल्यू की बात करें तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं हस हंसन टेक्निकल भाई ये बंदा भाई ये वो बहुत अच्छा क्यूबर है इसके चैनल आप चेकआउट कर सकते हो हसन टेक्निकल इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था अगर ज्ञान कंपनी स्पॉन्सर करती है तो भाई ये बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा नाइटमेयर है मेरे लिए मतलब हमेशा ज्ञान की क्यूब यूज़ करना होगा इसे टट्टी क्यूब कौन यूज़ करेगा ना कॉर्नर कटिंग ठीक से करता है भाई ये तो मेरे कलेक्शन में सबसे बकवास क्यूब है ज्ञान डुओ तो ज्ञान अगर मुझे स्पॉन्सर करती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर वही रहेगा एंड uh, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ज्ञान मुझे स्पॉन्सर करे वाई की विंग हंस रहा है और बोल है वही कैन कोलेबरेट भाई मेरे से भी पूछो कभी सी जी बी लाइक छोड़ दिया वो रास्ता <laughs> सही बात है भाई नेक्स्ट जान की जगत व्हाट डू थिंक विल बी वर्ल्ड रिकॉर्ड सिवायसी वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज एंड सिंगल आफ्टर फाइव ईयर्स डेफिनेटली बहुत ही कम इम्प्रूव होगा सब फाइव हो जाएगा एवरेज शायद से एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड सब थ्री हो सकता है पाँच पाँच साल में मेरे ख्याल से देन अक्षय अरोरा ये तो डिस्कॉर्ड पे भी है बंदा अच्छे पहचान का है इफ़ यू हैव टू चूज़ ऑनली वन ल्यूब ओके लून लिखा ल्यूब विच विल ल्यूब इट विल बी बाय द कॉन्ग्रेट्स मैं ब्रिज चूज़ करूंगा क्योंकि ना ज़्यादा मतलब क्या बोलते फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है ब्रिज सही रहेगा बाज द कांग्रेस ऑन ट्वेल्व के भाई अभी फिफ्टीन भी हो जाएंगे थैंक यू तुम सबकी सपोर्ट की वजह से ही ये अचीव हो पाया है देन नेक्स्ट है आयुष द स्पीड क्यूबर वॉट इज योर फर्स्ट क्यूब कॉन्ग्रोजन ऑन फर्स्ट क्यूब कॉन्ग्रोजुशन ब्रो फॉर ट्वेल्व के कीप इट अप मेरा फर्स्ट फर्स्ट क्यूब तो सबका लोकल ही रहता है एक लोकल शॉप से लिया था टाइल्स वाला था देन फर्स्ट स्पीड क्यूब की बात करें तो वो था झांची था डायन झांची जो कि मैंने लिया था सोलह सौ रुपये का जबकि उसकी प्राइस थी सात सौ रुपये स्नैप डील ने मुझे चुना लगाया था टू थाउजेंड थर्टीन या फोर्टीन में जब मुझे क्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था ऑफिशियल कॉम्पिटिशन में मैं नहीं था देन क्यूबिक माइंड बोल रहा है फेलिक्स और मैक्स ऑब्वियसली फेलिक्स भाई इमोशन जुड़े हैं जब से क्यूबिंग स्टार्ट किए टू थाउजेंड फोर्टीन से तब से इसी को इंस्पिरेशन लेके घूम रहा हूँ और अभी तो वीडियो पे कमेंट भी आया तो भाई ऑब्वियसली फेलिक्स मैक्स के लिए भी इज्जत बहुत ज़्यादा है लेकिन फेलिक के साथ बहुत पुराना रिश्ता है देन प्रो क्यूबिंग पूछ रहा है क्यूबलेल ऑफ एंडिंग यू हॉट एवर यू डिमांड है और गर्ल फ्रेंड तो इनमें से कोई एक चूज करना मुश्किल है क्योंकि गर्लफ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन क्यूबले सेंडिंग यू हट एवर यू डिमांड ये इम्पॉसिबल है तो ऑब्वियसली मैं इम्पॉसिबल ही चूज करूँगा क्यूबलेल ऑस एंडिंग यू हॉट एवर यू डिमांड देन हु विल सेट नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज टीम फेलिक्स और मैक्स और अदर लियो लग रहा है मुझे लियो हो सकता है फिजिक्स सेट करेगा तो भी अच्छा लगेगा और मैक्स वो भी उसमें भी पोटेंशियल है भाई तो कोई भी करे भाई लेकिन हमें सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है हम सिर्फ एंजॉय करते हैं हम जीतने के लिए नहीं आते हम सिर्फ देखना एंजॉय करते हैं बस कोई तो बना दे वर्ल्ड रिकॉर्ड और ऑफिशियल कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाए जल्दी ताकि हम भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और क्यों कंपटीशन एंजॉय कर पाएँ

देन तुषार चौधरी पूछ रहा है हाउ टू बी सब टेन आई एम सब ट्वेंटी भाई सब ट्वेंटी से सब टेम बना आपको भाई भाई बहुत स्टेप वाइज जाओ ना आप नाइनटीन बनो एटीन बनो सेवेंटीन सिक्सटीन फिफ्टीन धीरे धीरे फिफ्टीन के बाद पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा डायरेक्टली सब टेन तो मैं भी नहीं बन पाया अभी तक तो मैं क्या टिप्स दूँ मैं जब बनूंगा सब टेन तब आपको टिप्स दे दूँगा नेक्स्ट है कौपाली बेबी कुमारी एक कैसा नाम है नाम अपना लिख दो भाई ब्रैकेट में कभी जब कमेंट मेंशन करो तो अपना नाम ब्रैकेट में लिख दो कुछ आउट देने वाला हो तो व्हाट इज़ द बिग अचीवमेंट ऑफ क्यूबर कौन सा क्यूबर है सबकी अलग अलग होती है मेरी अचीवमेंट तब थी जब मेरे माम को मेडल मिला बाकी कुछ नहीं हैव टेन एप्पल्स एंड यू टेक सेवन हाउ मेनी डू यू हैव सवाल ही गलत है भाई यू टेक सेवन वो सेवन कहाँ से लिए वो बताए नहीं अगर टेन में से ही सेवन लिए तो मेरे पास ही सब टेन अभी तो टेन ही रहेंगे तो को इसकी कमेंट भी देख लेते सी जी बी लाइक मस्त जोक मारा है <laughs> टेक्सल टेन वाई कीपिंग करेक्ट यू आर गुड रीडर भाई ये बच्चो रुको मेरा चैनल तो बच्चों के लिए ही है कोई बात नहीं दे नेक्स्ट है नो यूट्यूबर सेलेक्टेड माई क्वेश्चन चेक दिस आउट हाउ यू गेट मनी फॉर बाइंग क्यूब्स इट इज फ्रॉम यूट्यूब इज इट फ्रॉम यूट्यूब बाई दुड कंटेंट यूट्यूब ने अभी तक मुझे घंटा कुछ पे किया है भाई कुछ पे नहीं किया यूट्यूब ने अभी तक मुश्किल से पचास डॉलर हुए और सौ डॉलर होने पर मैं निकालूंगा एक साल हो गया एक साल में पचास डॉलर बहुत कम होते हैं तो क्यूब खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ तो मैं पहले थोड़ा पॉकेट में नहीं जमा करता था क्यूब नामा मतलब जो सौ में उसके साथ मैंने क्यूब सिखाया बहुत लोगों को वो भी थोड़े पैसे देता था मतलब सेशन वाइज पैसे मिलते थे वहाँ से देन मैं फ्लिपकार्ट स्नैपडील से क्यूब खरीदता था सेल में सौ रुपये में जो था ग लॉन्ग और बेचता था दो सौ रुपये में कुछ लोगों को मैगनेटाइज करके भी दिया है मैंने क्यूब कुछ लोगों को सिखाया और क्यूब बेचा है उनको फ्री में सिखा के क्यूब बेचा है इस तरह थोड़े बहुत पैसे जमा करके क्यूब खरीदता था एंड वो क्यूब बेच के और क्यूब खरीदता था थोड़े पैसे ऐड करके मैंने बहुत पहले क्यूब बेचे हैं जैसे कि मेरे पास आर एस थ्री एम भी था वॉल जो था पुराना वाला वो भी था जो फैक्ट्री मैगटाइज बहुत सारे क्यूब बेचे मैंने और अभी तो क्यूब ले लो है ही आप सबका सपोर्ट है तो उसकी वजह से मैं क्यूब ले से जो आप मुझे मेरी लिंक से खरीदते हो उस कमीशन से मैं क्यूब खरीद पाता हूँ देन रणदीप लस्कर पूछ रहा है हाउ डू यू मैनेज क्यूबिंग एंड यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल वर्क बहुत मुश्किल है भाई अभी रिसेंटली लास्ट मंथ से मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और वीडियोस बनाना मुश्किल हो रहा है तो इसीलिए आप देख रहे हो कि मेरे वीडियोस में एडिटिंग बहुत कम है रिसेंटली वीडियोस में तो बहुत मुश्किल है लेकिन क्या करें हॉबी है मतलब मजा आता है करने में तो थोड़ा वो टाइम निकाल पाते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप टाइम निकाल पाओगे देन नेक्स्ट है आरबी क्यूबर का बिगिनर यूट्यूबर के लिए कोई एडवाइस दे दो जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता दो अच्छा सा कोई कोई भी आप काइन मास्टर जो है ए पी के मोड वगैरह यूज़ कर सकते हो कैसे डाउनलोड करना है गूगल पे सर्च कर लो ए पी के ढूंढ लो और डाउनलोड कर लो आपको बिना वाटर मार्क वगैरह के जो है मिल जाएगा एंड फोर के में एक्सपोर्टिंग भी हो जाएगी मैंने स्टार्टिंग में काइन मास्टर से ही बहुत सारे मतलब लगभग पचास से सौ वीडियो काइन मास्टर से ही आ, एडिट किए है सिर्फ क्यूबिंग कंटेंट डालोगे कि कुछ और कंटेंट भी भाई क्यूबिंग मुझे लगता है मेरा चैनल क्यूबिंग है तो क्यूबिंग ही कंटेंट रहेगा लेकिन बात करें सीजी लाइव की तो उस पर हर टाइप का कंटेंट आएगा हर टाइप का मतलब बहुत सारी वैरायटी आएगी मतलब वो पर्सनल चैनल ही कंसीडर कर लो क्यूबिंग गैलेक्सी बोले भाई बेस्ट बजट मैग्नेटिक थ्री बाई थ्री कौन सा है नासिक कब आ रहे हो नासिक नासिक कभी आना होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है एंड बेस्ट बजट मैगेटिक्यूब मेला मेलॉन्ग सही है मैं मुझे पहले आर एस अच्छा लग रहा था लेकिन अभी मुझे मेलोंग पसंद आने लगा है मैंने खुद से मैग्नेटाइज किया है देन सलाइवा सलाइवा गेमिंग भाई ये कैसा नाम है हाउ डू यू गेट इन टू कीपिंग ये तो दे दिया आंसर मैंने देन शोभित चतुर्वेदी पूछ रहा है डू यू थिंक गुड फ्लैक्शी नॉन रीब्रांडेड क्यूब कैन बी मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन कंपनी अभी तो बहुत मुश्किल है मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर मुझे पता है कि क्या क्या जरूरी होता है एक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए एंड उसके हिसाब से ये नामुमकिन लग रहा है अभी तो क्योंकि किसी कुछ बंदों को अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी सिर्फ एक कंपनी खड़ी करने के लिए एंड उनकी लाइफ जाने के बाद किसी और को उसका प्रॉफिट मिलेगा शायद से लेकिन ये पॉसिबल है लेकिन इतना डेडिकेटेड कोई होगा ऐसा मुझे लगता नहीं क्योंकि जीने के लिए पैसा ज़रूरी है जॉब जरूरी है ना कि नाम कमाना तो कोई तो बंदा ऐसा कर सकता है लेकिन उसको अपनी पूरी लाइफ इसमें डालनी पड़ेगी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा रेखा निंबालकर पूछ रहा है कि डू यू थिंक क्यूबिंग इज एडिक्टिव क्यूबिंग बहुत एडिक्टिव है भाई बहुत ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ पे नहीं होते इसमें जो भी कमेंट डाल रहे हैं वो सब एडिक्टेड है क्यूब के वॉट वॉज यू आर सी जी पी एंड जी पी ए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर में शायद से एट पॉइंट 8.7 समथिंग होगा कुछ तो हम हमें सी होता है एंड ओवरऑल कुछ 7.75 पॉइंट था मुझे कॉम्पिटिशन फॉर ट्वेल्थ के एंड फॉर फिफ्टी के इन एडवांस फिफ्टी के इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता भाई इतनी जल्दी हो पाएंगे एक्सपर्ट कीबिंग भाई एक्सपर्ट कीबिंग ये बंदा तो बहुत कमाल का बंदा है ये बंदा अपने बहन के और माँ के अकाउंट से कमेंट डालता है कि ये को, कोई कंपटीशन में थर्ड आया है या फिर फोर्थ आया है या फिर कुछ तो ऐसे कमेंट डाल रहा था फोटोज योर फर्स्ट क्यूब ऑन विच डेट मंथ और ईयर यू बाई इट हेयर लिखा है फर्स्ट क्यूब मैंने बताया पहले भी जो स्पीड क्यूब में डायन झांची था मैंने टू थाउजेंड फोर्टीन में खरीदा था स्नैप डील से सोलह सौ रुपये का रिविल योर फोन नंबर यू विल नेवर रिवील इट आई नो आई चैलेंज यू ये निश्चय लग रहा वाला यही बनता है एक्सपर्ट क्यूबिंग ही निश्चय लग रहे वाले भाई मतलब क्या भाई मजाक करते हो अपनी इज्जत उछाल के अभी इसको मज़ा नहीं आया अभी तक बहुत मतलब सब ट्वेंटी भी नहीं है और मेरे वीडियो पे कमेंट आया था इसने कि सब एट है सब एट पॉइंट सेवन और फिर लाइव में खुद का मजाक बना दिया और सबको भी सिंपत्ति दे पूछ रहा कि भाई मैं सब टेन नहीं हूँ मैंने क्यूबिंग गुरु से झूठ बोला था आप मेरा ये वीडियो देख लो इसमें मैं गिव अवे कर रहा हूँ भाई बढ़िया तरीका है गिव अवे में लोगों को अटैक करने का सबसे सफर सब पाने का टेक सॉल्वर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एवरेज इन योर फर्स्ट क्यूब मैंने फर्स्ट क्यूब जब सॉल्व किया था लगभग वन एक दो मिनट से तीन मिनट तक का एवरेज था शायद से एंड फर्स्ट क्यूब मैंने किसी को तो दे दिया है मेरे सर uh, को दे दिया है ट्वेल्थ के तो अभी मेरे पास वो नहीं है विल क्यूबिंग नेवर एवर बी मेन स्ट्रीम जॉब इन इंडिया बन सकता है लेकिन कोई बनाएगा नहीं शायद से क्योंकि इंडिया में जो है यूट्यूब से इनकम बहुत कम है और जितने ऑडियंस चाहिए उतने ऑडियंस नहीं है लेकिन अगर आप किंग ऑफ कीबर्स हो तो शायद से बन सकता है विच इज़ द बेस्ट कहना क्या चाहते हो भाई इसकी कुछ और कमेंट होगी तो वो कहना चाहता होगा जिशान खरीद बोला विच इज़ बेस्ट बस ओ सवाल नहीं है ये तो जवाब है मतलब आंसर है क्वेश्चन मार्क नहीं चला विच इज़ बेस्ट ओके विच इज़ बेस्ट भाई कीबिंग uh, रूम पूछ रहा है

एक्स मिनट टोनेटो वी टू बेटर दैन ग थ्री फाइव सिक्स आर एस भाई गैन थ्री फाइव सिक्स आर एस से दुनिया का हर एक क्यूब बेटर है कोई भी क्यूब ले लो और इसमें कुछ लोगों ने कमेंट की रिप्लाई भी दिया है ये डेफिनेटली यस सर गैन हैव बीन मेकिंग बजट क्यूब अबाउ थाउजेंड आर एस थ्री एम ट्वेंटी बेटर दैन आर एस भाई कोई भी क्यूब आर एस से बेटर है क्यूबिंग रूम पूछ रहा है आई एम टाइम ट्रेवल आई केम ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो कॉन्ग्रेजुएशन फॉर ट्वेंटी फाइव के सब्सक्राइबर ओ भाई टाइम ट्रेवल भी हमारे चैनल विजिट करने लगे ओह थैंक यू भाई थैंक यू मुझे नहीं पता था सप्टेंबर तक ट्वेंटी के हो जाएंगे अगर हो गए ना तो गिव अवे पक्का ट्वेंटी टू के भी एक स्पेशल वीडियो आने वाला है एक रोस्ट टाइप वीडियो आने वाला है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ चार सालों से क्यूब कौन पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज योर फर्स्ट फिड क्यूब डायन झांची एंड हाउ मच टाइम इट टेक यू टू सेव मनी फॉर बाइंग पहला क्यूब जो है सिर्फ पहला क्यूब मेरे पापा ने बाय करके दिया था सोलह सौ दिए थे उसके बाद मुझे एक भी रुपया नहीं मिला क्यूब खरीदने के लिए हाँ कॉम्पटिशन जाने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते थे मतलब तो मैं वो पैसे सेव करता था कम्पटिशन जाने के लिए मुझे कॉम्पटिशन अटेंड करने के और उनमें से ही क्यूब खरीदा था कभी मैं अटेंड मतलब तो पार्टिसिपेट नहीं करता सिर्फ अटेंड करता था ओके व्हाट इज योर फर्स्ट कॉम फर्स्ट कम मेरा था आरची मो टू थाउजेंड फोटीन यू मुंबई ओपन एंड वॉट आज योर एवरेज मेरा एवरेज आप डब्ल्यू सी पे चेक कर सकते हो वो लगभग थर्टी था हाउ डिड यू गॉट इन टू कीपिंग उसके लिए अलग से वीडियो आएगा मैंने पहले भी बताया थोड़ा बहुत और अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ड इस डब्ल्यूर एम ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेन वर्थी बिल्कुल नहीं है भाई बिल्कुल नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेन वर्थी बिल्कुल नहीं है मुझे नहीं पसंद आया मैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ले रहा हूँ सॉरी ट्वेंटी ट्वेंटी ले रहा हूँ मुझे ट्वेंटी नाइनटीन ही अभी तक पसंद है ऋषभ यादव बोल रहा है Then T star YouTube पूछ रहा है When did you started cubing and how मैंने अभी बताया मैंने क्यूबिंग जो स्टार्ट की टू थाउजेंड सेवन में अप्रैल तक आता था देन टू थाउजेंड ट्वेल्व में मैंने पूरा सिखाया वो वोडाफोन वाला स्टोरी अभी एंड ऑफिशियल कॉम्पटिशन टू थाउजेंड में ब्रो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है हाँ तो नाम बता दो प्लीज़ पिक माई कमेंट कोशिश जारी है भाई शायद बन पाया देखते हैं अभी भाव दिया तो ठीक है ये तो अभी पच्चीस साल की एज हो गई है शादी हो जाएगी देखते स्पीड क्यूबर बनाओ इफ़ यू हैव चांस टू गेट अ क्यूब ऑफ योर चॉइस देन विच क्यूब यू विल सिलेक्ट एंड हाई मैं खुद खरीद सकता हूँ जो भी क्यूब में मुझे पसंद है लेकिन अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ मोयू ए आई का जब वो क्यूब लेवल पर अवेलेबल होगा तो अभी मैं कोई भी क्यूब खरीद सकता हूँ और मेरे पास अभी कोई ऐसा थ्री वाई थ्री बचा नहीं जो मैं ख़रीदना चाहूँ बस क्यूबले पे आने की देरी है हैव यू गॉट बोर्ड ऑफ क्यूबिंग इन पास्ट बहुत बार बोर हो चुका हूँ मैं बहुत बार बोर हो चुका हूँ मैं जब भी बोर होता था मैं कॉम्पिटिशन अटेंड करता था मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता था क्यूबर से मिलता था पंकज मौर्य वगैरह था मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे उनसे मिलता था कंपटीशन में जाके मैं स्क्रैम्बलिंग uh, वगैरह करता था जजिंग वगैरह करता था और uh, जो डेलीगेट्स होते थे उनके पास से मतलब उनके तरफ से मुझे कुछ फ्री फूड भी मिलता था खाने के लिए वो भी एक अलग रीजन रहता था जजिंग करने का उनको हेल्प कर देते तो वो थोड़ा बहुत कुछ देते थे तो बोर हो जाओ तो आप ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ट्राई करो ऑनलाइन कम्पीट करो या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम में आ जाओ भाई कभी भी या फिर जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो सिर्फ कॉम्पिटिशन अटेंड करना पार्टिसिपेट न मत करना अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फिर से इंटरेस्ट आ जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो सेकंड पार्ट भी बनेगा इस वीडियो का बाकी लोगों के भी सवालों के जवाब मैं दे दूंगा अभी तो बहुत सारे बाकी है तो देखते हैं अभी कितने बाकी क्योंकि बीस मिनट हो गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी की मैं कंटिन्यू करूँगा तो इस वीडियो का इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलना